गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। अब तक हमने औ की मात्रा वाले शब्द सीखे थे। आज से औ की मात्रा वाले शब्द आज नेक्स्ट चैप्टर है वो है बौना जादूगर, जिसमें ऐसे औ तक की मात्रा वाले शब्द आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक थॉट बताऊंगी। थॉट है Do what is right, not what is easy। यानी कि जो सही होता है वही करना चाहिए, न कि जो easy होता है वो। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन हमें सही रास्ता ही चुनना चाहिए, गलत रास्ता चुनना चाहिए नहीं। सही रास्ता लंबा होता है, लेकिन वो अच्छा होता है। और गलत रास्ता अगर आप अपनाओगे, वो गलत रास्ता इजी होगा, लेकिन उससे हमारा भला होगा नहीं। इसलिए हमें जो सही होता है वो ही करना चाहिए, ना कि जो इजी होता है वो। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। वो इजी होता है, जल्दी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है। इजी वो नहीं चुनना चाहिए, जो सही रास्ता होता है वो ही चुनना चाहिए, और जो सही होता है वो ही हमें करना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये था आज का थॉट। आप भी हमेशा याद रखना, जो सही हो वो ही करना। ओके बच्चों, अब आगे बौना जादूगर। आओ पढ़े, ए ऐ ओ औ पर आधारित कहानी। चलो रीड करो, क्या है। एक जादूगर था, क्या था, एक जादूगर था। वह अत्यंत बौना था, बौना यानी छोटा। वो कैसा था, छोटा था। उसमें जादू करने की कला थी, लेकिन वो जादू अच्छा करता था। उसमें कौन सी कला थी जादू करने की। एक दिन चौक पर उसे एक चादर मिली। उसको क्या मिली, चादर। ये देखो, ये क्या है, चादर। वह उस पर बैठकर अपने जादू का कमाल दिखाने लगा। ये देखो, ये उसके ऊपर बैठा है ना, वो उसके ऊपर बैठ कर क्या करने लगा, अपने जादू का कमाल दिखाने लगा। वह बोला, हड़कम हड़कम जादू चला। उसने क्या बोला, हड़कम हड़कम जादू चला। बस उसके बोलते ही वह चादर में लिपट हवा में उड़ने लगा। उसने ऐसा बोला, उसके बोलते ही क्या हो गया, वो चादर में बैठकर उड़ने लगा। वह बादलों के नीचे जाकर पक्षियों से बातें करने लगा। वो आकाश में चला गया और वहाँ बादलों में पक्षियों से बातें करने लगा। अचानक उसे जोर की भूख लगी। उसे क्या लगी, भूख लगी। उसने नीचे देखा तो एक आदमी पकौड़ी तल रहा था। उसने आकाश में से नीचे देखा तो वो आदमी था, वो क्या तल रहा था, पकौड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। आपको भी पकौड़ी अच्छी लगती है ना, आपके मुंह में भी पानी आ जाता है ना, बनाती मम्मी घर पे, तो ऐसे उसके मुंह में भी पानी आ गया। उसने फिर जादू का सहारा लिया। वह बोला, हड़कम हड़कम जादू चला। यह क्या था, वो उसके बोलने का जादू का वाक्य था, वो बोलने से जादू हो जाता था। उसके बोलते ही पकौड़ी हवा में उड़कर उसके मुंह में आ गई। गरम पकौड़ी से उसका मुंह चलने लगा। क्या हुआ, पकौड़ी कैसी थी, बहुत ही गरम थी। गरम पकौड़ी खाने से उसका मुंह
चलने लगा। आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी बच्चों? गरम गरम खाने से क्या होता है, मुंह में चलने लगता है ना, तो ऐसा गरम नहीं खाना चाहिए। वह चिल्लाया और सब जादू भूल गया। वह क्या किया, उसने चिल्लाया और वो सारे जादू भूल गया। तो ये था बोना जादूगर की कहानी। आप लोग भी टीवी में जादू देखते हो ना, कार्टून्स में आते हैं ना, अच्छे लगते हैं आप सबको, लगते हैं ना अच्छे, वेरी गुड। तो अब उसके नीचे क्या है, दिए गए पाठ में ओ वाले शब्द पर सर्कल गोला एवं औ वाले शब्दों पर सही का निशान लगाओ। जो भी शब्द में ओ की मात्रा लगी है उसमें गोला करना है और औ की मात्रा लगी है उसमें टिक करना है। तो चलो अब मुझे कौन बताएगा कहाँ पर टिक करना है और कहाँ पर सर्कल करना है? अच्छे से रीड करते जाओ और मुझे बताओ। हाँ बहुना आया ना, बहुना यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो। एक जादूगर था, वह अत्यंत बहुना था, तो यहाँ पर टिक करो। उसके जादू करने की कला थी। एक दिन चौक पर उसे एक चादर मिली, चौक, तो इसमें भी टिक करो। वह उस पर बैठकर अपने जादू का कमाल दिखाने लगा। वह बोला, बोला में कौन सी मात्रा आई, ओ की मात्रा, तो इसमें क्या करना, ओ की मात्रा में सर्कल करना है। हड़कम हड़कम जादू चला, बस उसके बोलते ही बोलते, तो इसमें ओ की मात्रा सर्कल करो। वह चादर में लिपट हवा में उड़ने लगा। वह बादलों, तो इसमें सर्कल करो, के नीचे जाकर पक्षियों, तो इसमें भी सर्कल करो, से बातें करने लगा। अचानक उसे जोर की भूख लगी। उसने नीचे देखा तो एक आदमी पकौड़ी तल रहा था। तो जोर, इसमें सर्कल करो, तो में भी सर्कल करो, पकौड़ी, तो इसमें टिक करो। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने फिर जादू का सहारा लिया। वह बोला, बोला में सर्कल करो, हड़कम हड़कम जादू चला। उसके बोलते, सर्कल करो, ही पकौड़ी, टिक करो। हवा में उठकर उसके मुंह में आ गई गरम पकौड़ी, टिक करो इसमें। उनका मुंह जलने लगा। वह चिल्लाया और में टिक करो, सब जादू भूल गया। तो ये था हमारा बोना जादूगर। तो आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे ओ की मात्रा में सर्कल और औ की मात्रा में टिक कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।